हम पहुंच चुके हैं अटल टनल रोहतांग। गाड़ी हमारी खड़ी है अभी वहां पे, अभी हम जाएंगे यहां पार करेंगे इसको। यहां पे शायद गाड़ी की चेकिंग हो रही है, नहीं हो रही। कई गाड़ियों को मैंने देखा चेक कर रहे हैं, कई गाड़ियों को देखा नहीं कर रहे हैं। ते हमारी करते नहीं करते, और उसके बाद सीधा यहां से अटल टनल। और जो व्यू यहां पे आ रहे हैं भाई, बहुत ही गजब के यार। हम निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं अटल टनल। क्या मजेदार एक्सपीरियंस होने वाला है भाई। गाड़ी रोकी है या हमारी भी गाड़ी रोकेंगे अभी। अटल टनल भाई, हमारे देश का प्राइड है ये अटल टनल। दो लेन्स बना रखे हैं वहां से आने के लिए और यहां से जाने के लिए। और भाई बहुत मजेदार है यार, पहाड़ के बीच में से हम लोग निकल रहे हैं, पहाड़ के अंदर में से हम निकल रहे हैं, और उस तरफ में आपको जन्नत ही जन्नत देखने को मिलेगी भाई, जन्नत देखने को मिलेगी। ये अटल टनल ऑलमोस्ट 8.8 किलोमीटर का है। एग्जैक्टली हमने ये रीडिंग नाप ली है तब हम आपको बताएंगे, बट फिलहाल के लिए जो मेरे को यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए उसमें जो दिख रहा है वो लगभग 8.5 किलोमीटर के आसपास का लंबा टनल है। हमारी गाड़ी रोकी भाई, उन्होंने पूरी चेकिंग करी है, कहीं पे कोई हम लिख कर तो नहीं लेके जा रहे हैं, कुछ और ऐसा सामान तो नहीं है जो डेंजरस हो सकता है आगे हमारे लिए, दोनों के लिए। तो वो सब चेक किया, पेपर्स चेक किए और बोला कहाँ तक जा रहे हो। हमने अपनी डेस्टिनेशन बताई तो वहाँ तक फिर उन्होंने एंट्री करी, और उसको रोक रहे हैं। जो लोकल एच पी की गाड़ी है हिमाचल प्रदेश की, उसको नहीं रोका जा रहा है। बाकी जितनी चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, हर गाड़ी को रोक रोक के चेक की जा रही है। यहाँ से रह गया अटल टनल सिर्फ 500 मीटर। धीरे 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 आपको उजाला देखना महसूस होना शुरू हो रहा है, ये खत्म होने वाला है किलोमीटर का टनल। और वैसे हमारे कितने किलोमीटर बच गए। सो भाई पीआरओ को सल्यूट है, पीआरओ ने इतना अच्छा टनल हमें बना के दिया हमारे देश को। और ये बाहर निकलते ही जो व्यू है भाई, जो नजारे है वो गजब के भाई, गजब, बहुत ही बढ़िया। अब उस तरफ में जैसे ही हम ये पुल पार करेंगे, पुल पार करते ही उस तरफ में जन्नत ही जन्नत है। जनवरी के मंथ में अगर आप आओगे और ये अटल टनल को आप क्रॉस करोगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ मिलेगी, सिर्फ बर्फ, आपको और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। टी पॉइंट आ जाता है, टी पॉइंट से हम हो गए हैं लेफ्ट, हम जा रहे हैं अभी सिसु की तरफ को, और यहीं से हम लोग जाएंगे लद्दाख के लिए। सो अभी आगे सिसु दिखाते हैं, वहां से अगर आप राइट हो जाओगे तो आप स्पीति वैली, काजा, इस वाले एरिया में चले जाओगे। अभी हम लेफ्ट हुए हैं, हम जा रहे हैं लेह की तरफ। ये रास्ता आ रहा है भाई अटल टनल से, अभी हम यहाँ से आए। यहाँ पे गाड़ी आपकी टैक्स कटेगा, ग्रीन टैक्स। छोटी गाड़ियों का 200 रुपये टैक्स है, बड़ी गाड़ियों का 300 रुपये टैक्स है। रास्ता जा रहा है लेह को, तो भाई साहब क्या गजब नजारे। सो ग्रीन टैक्स देने के बाद में आप जा सकते हो, और पर्ची आप अपने पास संभाल के रखना। ये है चिनाब नदी, चिनाब रिवर। क्या व्यू आ रहे हैं यार, बहुत ही गजब के। अटल टनल से अभी हम ज्यादा दूर नहीं आए हैं, मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर आए हैं, और जो नज़ारे हमें देखने को मिल रहे हैं बहुत ही बढ़िया। जो रोड्स बनी हुई हैं काफ़ी अच्छी रोड्स बनी हुई हैं, अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आराम से गाड़ियाँ आ सकती हैं, ऑल्टो ले आओ, 800 ले आओ, वैगनार ले आओ, डिज़ायर ले आओ, सब पहुँचेंगी। जहाँ रास्ता ख़राब होगा वो मैं आपको एरिया भी दिखाऊंगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए तो कोई रास्ता ख़राब नहीं है, पूरा मज़ेदार व्यू है और मज़ेदार सड़कें हैं। मैं बैठा हूँ भाई पैसेंजर सीट पर, क्योंकि मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग आप लोगों को दिखाने के लिए। आलोक भाई कर रहे हैं ड्राइव, गाड़ी ये चलाएंगे आलोक भाई, और पीछे वाले जो साथी बैठे हैं ये हमारे को पानी, खाना, ये सब अरेंजमेंट करके देते रहेंगे। तो जो अब तक के नज़ारे मिले हैं भाई गजब के, और आगे तो और मिलने वाले। आज का जो हमारा प्लान है वो ये है कि हम कीलोंग में या भरतपुर में कहीं पे हम लोग स्टे करेंगे। हमारा प्लान ऐसा भी है कि हम डायरेक्ट ले भी चले जाएं, बट वो सब कुछ डिपेंड करेगा टाइम पे। वी हैव रीच सिसु, हम सिसु पहुंच चुके हैं। छोटी सी मार्केट है यहाँ पे, आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें चाहिए, पानी की बॉटल्स चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए, तो वो सब आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। और इस एरिया में बिल्कुल बर्फ़ से ढका रहता है, ये बर्फ़ पड़ी रहती है। अगर आप जनवरी, फरवरी या दिसंबर एंड में आओगे तो आपको यहाँ पे पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी, और उस टाइम का जो नज़ारा होता है भाई वो गजब का।
ये देख पा रहे हो वाटरफॉल आ रहा है, ये ऊपर से पहाड़ों में से पानी ग्लेशियर पिघल के और ये पानी नीचे की तरफ आ रहा है। पता नहीं कैमरा जस्टिस कर पा रहा है या नहीं, बट ये देखो भाई यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स आपको मिल जाएंगी, वहाँ पे शॉप्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे अभी हमने लोकल से पूछा तो कह रहे हैं भाई बर्फ़ का टाइम हो चुका है, यहाँ पे बर्फ़ पड़ना शुरू हो सकती है, बट अभी कोई हमें बर्फ़ का नामो निशान नहीं दिखा है। बट ये देखो ये पहाड़ देख रहे हो, ये बर्फ़ के ढके हुए हैं, शायद हमें आगे की तरफ बर्फ़ मिले, वहाँ मिलेगी तो आपको दिखाऊंगा, बट फिलहाल के लिए तो बिल्कुल अभी यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है। जैसे वो पहाड़ ढका हुआ है ना बर्फ़ से भाई, ऐसे ये पहाड़ भी सब ढक जाते हैं बर्फ़ से, इतनी बर्फ़ पड़ती है। देखो यहाँ पे भी ये रहा एक पहाड़, ये भी बर्फ़ से ढका हुआ है, ये प्लेन है तो यहाँ पे अभी बर्फ़ अगर पड़ेगी तो ये पूरा ढक जाएगा। हम जा रहे हैं अभी सिसू की तरफ को, ये रास्ता रास्ते में ही पड़ता है, आपको कहीं से अलग जाने की ज़रूरत नहीं है, तो सोचा रास्ते में है तो भाई देखते हुए चलते हैं यार, 5-7 मिनट यहाँ रुक जाते हैं, वो खड़ी वहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग में, तो यहाँ से हमें नीचे उतरना, ये है स्टीप चढ़ाई उतराई दोनों। गाड़ियाँ पार्किंग की, छोटे छोटे स्टॉल्स बने हुए हैं, चीज़ें बनी हुई हैं, यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो, थोड़ा बहुत एडवेंचर कर सकते हो। और ये आ रही है भाई चिनाब रिवर, रिवर के बहुत पास आ चुके हैं हम, यहाँ पे थोड़ी सी हवा चल रही है तो भाई आवाज़ के लिए सॉरी, जितना मैं रोक सकता हूँ उतना रोक लिया। और ये रिवर पार करने के लिए जिप लाइन लगी हुई है, अगर आपको उस तरफ में जाना है कि जैसे वहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है, वहाँ लोग काम कर रहे हैं, वो पानी स्प्रे हो रहा है, पानी का स्प्रे चल रहा है, और ये यहाँ से आपको रोप वे से जाना होगा उधर को, ये इस तरीके से करके आप वहाँ पे जाओगे, काम करोगे, सारी चीज़ें करोगे, और उसके बाद में आप वहाँ वापस भी आने के लिए आपको ये रोप वे का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो ये सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, ये सब हमें पार करना है, ये सब बहुत मज़ा आने वाला है इस ट्रिप में, बहुत मज़ा। ये जो पौंड है, जो रिवर है या नदी कह लो, इसको झरना कह लो, ये बर्फ़ में जम जाता है भाई पूरा, यहाँ पे लोग इसके ऊपर में चल सकते हैं, पूरा का पूरा जम जाता है ये। फिलहाल अभी नहीं जमा हुआ, देखो पेड़ों की जड़ें तक दिख रही हैं, वो दिख रही है, फिलहाल नहीं जमा हुआ है, बट अगर आप दिसंबर के महीने में आओगे या जनवरी के महीने में आओगे तो आपको ये जमा हुआ मिलेगा, आपको दिखेगी ये जमी हुई और मज़ेदार व्यू आएंगे। ये रेड डोम बने हुए हैं, यहाँ पे आप रुक के पूरा नज़ारों का मज़ा ले सकते हो, ऊपर हाइट्स है, वाह भाई वाह। बर्फ़ देख रहे हो, ये देखो ये रही बर्फ़, और ये ताज़ी बर्फ़ है, फ्रेश बर्फ़ है, 2-3 दिन पहले ही पड़ी है। अब हम निकल चुके हैं सिसू से और अब हम जा रहे हैं लेह की तरफ को। यार गर्मी अभी भी ज़्यादा है यार, हमने सोचा था ठंड पड़ेगी तो मैंने तो भाई स्वेट शर्ट पहन ली, सब कुछ पहन ली, और वो अपना गर्म लग रही है, गर्म फील हो रहा है, बट आगे शायद हमें ठंड मिलेगी, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे गर्मी हो रही है। यहाँ पे जो व्यू आ रहा है भाई, ये ऑटम वाले पेड़ हैं, ये जब ऑटम का मंथ होता ना तब ऐसे पेड़ होते हैं, मज़ेदार भाई। और इसमें इन पे भी बर्फ़ जम जाती है और पत्ते बिल्कुल हरे हो जाते हैं, अभी तो थोड़े से सूखे हुए हो रहे हैं, जब पानी मिलेगा इनको भरपूर तो हरे ही हो जाएंगे बिल्कुल। यहाँ से अब हमें ऊपर जाना है लेह की तरफ को, मेन हाईवे पे जुड़ने के लिए। होम स्टेज बनी हुई हैं, कुछ होटल्स भी हैं, बट यहाँ पे होटल की सबसे बड़ी एक ड्रॉबैक है कि ये जब बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे और ये झील जम जाती है तो यहाँ के होटल अपनी मनमानी से यार रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, आपको 4,000, 5,000, 6,000 पर नाइट तक आपको खर्च करना पड़ेगा। ये सिसू की मार्केट है, होटल्स मिल जाएंगे आपको, होम स्टेज मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, ये देखो ये रहा होम स्टे का बोर्ड लग रहा है, यहाँ पे ऑफ सीजन में आओ, अपना इंजॉय करो, कम पैसे में घूमो और जाओ, क्योंकि सीज़न में आओगे तो पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा। जगह जगह आपको ये ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े रास्ते ख़राब मिलेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है, छोटी गाड़ियाँ भी जा सकती हैं, वो देखो वो ऑल्टो जा रही है, जब ऑल्टो जा सकती है तो कोई भी गाड़ी जा सकती है। And we'll grow in number, fuel.
टाइम हो रहा है 2:02 और टेम्परेचर भी देखो भाई 30 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है इस टाइम पे 30 डिग्री सेल्सियस और उसमें हमने स्वेट शर्ट पहनी हुई है तो हमें कितनी गर्मी लग रही होगी। गाड़ी में एसी चलाना पड़ रहा है, एसी हमने ऑन कर रखा है, बट जो मज़ा है ना, जो हमें जिस चीज़ ने हमें रोक रखा है वो है नज़ारे, वो है ब्यूटी। पहाड़ इतने खूबसूरत लग रहे हैं यार, इतना नेचर हमारा इतना खूबसूरत है कि इसको एक्सप्लोर करते करते आदमी नहीं थकेगा यार।